वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये हमने चॉप किया था इस पीपल के प्लांट को 15 सितंबर को, और ये देखिए ये ब्रांच ग्रो हो चुकी है यहाँ। और आज है 21 अक्टूबर यानी दीपावली। तो यहाँ अब देखते हैं कितना ग्रोथ हुआ है। ये 5 ब्रांचें निकली है जो कि हमारे कोई काम की ही नहीं है, तो उसको निकालना चाहूँगा मैं, क्योंकि एक ब्रांच ऑलरेडी है हमारे पास। तो यहाँ से एक ब्रांच निकल चुकी है, तो उसको चॉप करके कोई ब्रांच निकलती तो सही बात थी, यहाँ हमें कोई ज़रूरत नहीं, तो उसको मैंने चॉप कर लिया है। उसे रख सकते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, तो देखते हैं उसको ग्रो करके। और ये देखिए वायर बाइट भी हुआ है, तो यहाँ मैंने वैसे ही वायर लपेट दिया था, हो सके तो मैं आज उसको एक वायरिंग करके अच्छे शेप भी देना चाहूँगा। तो अब आते हैं ब्रांच पे। तो यहाँ देखिए बहुत सारी ब्रांचें हैं नज़दीक नज़दीक। तो यहाँ वी जंक्शन, और यहाँ से एक ब्रांच, तो ये हमें निकाल देनी पड़ेगी। देखिए ये पीछे एक ब्रांच दिख रही है, वो भी नहीं चाहिए हमें। यहाँ से अंतर देखिए तो ये ठीक ठाक है, यहाँ से वी शेप दूसरा, और यहाँ से फिर प्रोग्रेसिवली ब्रांचिंग है, तो वो सही है। मगर यहाँ से 2 ब्रांच हमने निकाल दी है, क्योंकि यहाँ जंक्शन पॉइंट बन जाता तो यहाँ रिवर्स टेपर होने लगता। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, नज़दीक नज़दीक ब्रांच नहीं चाहिए हमें। अगर बहुत नज़दीक हुई तो वो इतनी मोटी होने लगती है कि यहाँ सब गड़बड़ हो जाएगा ब्रांच स्ट्रक्चर, और उसको कुछ बैंड। ये थोड़ी ज़्यादा ही लंबी है, पर देखते हैं क्या होता है। यहाँ न्यू बर्ड्स भी निकल रहा है, तो हम उसको भी पूरा हुआ चॉप करके भी इस प्लांट को ट्रेन कर सकते हैं। मगर पीपल में ब्रांचिंग बनाना यानी बहुत मुश्किल है, तो जो है उसी से काम चलाना चाहूँगा मैं, तो ऐसा नहीं करना चाहूँगा। यहाँ कुछ बेंडिंग करूँगा मैं, और एक वायरिंग करता हूँ बाद में। तो ये अच्छे से ब्रांचिंग की है। यहाँ से हमने जो निकाल के लगाया था वो तो चला गया है, और यहाँ पहले भी प्रूनिंग की थी, तब मैंने यहाँ कुछ स्टेम लगा दी थी, वो हो चुकी है। 2 स्टेम है यहाँ, एक दूसरा भी प्लांट है जिसको हमने चॉप किया था, वो भी देखते हैं। ये हीलिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसी दिन यानी 15 सितंबर को हमने इस प्लांट को भी चॉप किया था, और यहाँ भी 2 ब्रांच निकली है दोस्तों। तो यहाँ अब थोड़ी फिनिशिंग की ज़रूरत पड़ेगी हमें। लीफ हटाता हूँ जिससे आप लोगों को दिखाई दे। तो यहाँ 3 ब्रांच ग्रो हो रही है, पीछे छोटी भी है, तो उसको निकाल देते हैं। ये बैक ब्रांच है, उसको भी निकालना चाहिए हमें, मगर ये 2 प्लांट जुड़े हुए हैं, तो उसको हमने ट्रिमिंग नहीं किया था दूसरे प्लांट को। तो मेरे ख्याल से ये सामने वाली ब्रांच ही जाएगी, क्योंकि इधर एक दूसरा प्लांट है, तो ये ही निकाल देता हूँ मैं। और यहाँ से थोड़ा मास निकालना होगा हमें, जिससे ये अपना शेप ले ले। कटर छोटा है, दोनों हाथों से काम करना होगा। अक्टूबर को हमने इसका ट्रिमिंग किया था, और देखिए यहाँ शूट्स निकल आया है, और एक बड़ा भी निकला था, मैंने पहले ही निकाल दिया है कल। और ये दूसरा शूट्स निकला है यहाँ, इसको रहने देंगे, यहाँ जो ज़्यादा होगा उसको निकाल देंगे। और यहाँ से जो ट्रिम किया था उसको हमने यहाँ लगा दिया था, वो भी हो गया है, यहाँ शूट्स निकल रहा है। तो ये कटिंग जिसको हमने प्रूनिंग किया था उसको यहाँ लगा दिया था पहले, और यहाँ जो था बड़ा वाला ये अच्छे से ग्रो हो चुका है यहाँ।
कटिंग में, और उसके बाद का कटिंग ये, और वो भी सक्सेसफुल है। आई होप कि अच्छे से ग्रो करे। तो फोकस नहीं हो रहा है, अगर यहाँ नया शूट से दिखाई दे रहा है, देखिए। और ये बड़ा पीपल का प्लांट जो को हमें बर्बाद ही जैसे कर दिया था, उसको पूरा ट्रिमिंग कर दिया था, और यहाँ नए शूट से उसको निकल रहा, नीचे से अच्छे से दो निकल रहे हैं, उसको निकाल देंगे। और यहाँ देखिए, अगर कटिंग लगाते भी है तो इस तरह से ज़्यादा शूट्स निकलते हैं, वो भी निकाल देने होते हैं हमें। केवल एक हेल्दी रखना है जिससे ये अच्छे से ग्रो हो जाए। यहाँ से मूवमेंट है, यहाँ से और इधर हमें चाहिए, तो ये अच्छे से ग्रो करना चाहिए मेरे ख्याल से।